मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर जहां कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है, वहीं अब खंडवा जिले की मांधाता विधानसभा से बंजारा समाज के प्रतिनिधियों में टिकट देने की मांग उठी है। दरअसल खंडवा जिले के पुनासा के ग्राम नवलगांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें अमन नायक, सबल सिंह नायक, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुनासा भरत सिंह पवार, पदम नायक उपस्थित रहे। बैठक में शामिल सबल सिंह नायक, भरत सिंह पवार ने कांग्रेस समन्वयक संतराम बंजारा से अपील की कि इस बार विधानसभा उपचुनाव में बंजारा समाज के उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। बंजारा समाज के लोगों का कहना है कि क्षेत्र में बंजारा नायक समाज के करीब 42,000 वोट हैं, जो चुनाव परिणाम की दिशा तय करेंगे। तो मैं मांधाता के सभी जनता को प्रणाम करता हूँ और माननीय कमलनाथ जी का आभार प्रकट करता हूँ कि जो मुझे इस काबिल समझ करके मांधाता में एक समन्वयक के रूप में भेजे। मैं 27 विधानसभा में जहाँ जहाँ बंजारा समाज है वहाँ जाकर दौरा करके कांग्रेस के पक्ष में और मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनाकर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के उद्देश्य से निकला हूँ और मैं लगभग ये मेरा तीसरा राउंड है मांधाता में। बंजारा समाज की 70 बूथ में संपूर्ण दौरा करके मैं अन्य समाज के लोगों से भी मिला। आज मांधाता के जो मतदाता हैं, जिनके साथ यहाँ पर धोखा और विश्वासघात हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अमुक समाज का है या मेरे समाज का है, संपूर्ण समाज उसका घोर विरोध कर रही है और उनको ये आने वाले समय में पूर्ण रूप से सबक सिखाएगी। जिन्होंने मांधाता के मतदाताओं के अधिकार को बेचा है, अपने हित के लिए जनता की भावना का हनन किया है, स्वाभाविक है, सभी का अधिकार है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है टिकट मांगने का, हर आदमी अपना दावा पेश कर सकता है। मैं सारे प्रत्याशी को बधाई देता हूं कि वो अपने अधिकार की मांग माननीय कमलनाथ जी से करें। ग्राउंड लेवल में सर्वे चल रहा है, मेरे से ऊपर 3 पर्यवेक्षक हैं, रघु परमार जी, सत्यनारायण पटेल जी, सचिन बिरला जी, मैं तो समन्वयक के रूप में हूं और इस क्षेत्र की जहां भी जिस प्रकार की गतिविधियां हैं, जहां पर भी आपसी मतभेद हो रहे हैं, उनको मैं समन्वय की स्थिति और नजरिया से देख रहा हूँ। अपना परिचय दीजिए सर। मैं संतराम बंजारा छिंदवाड़ा से माननीय कमलनाथ जी का एक छोटा सा सिपाही, धन्यवाद, की पाठशाला का विद्यार्थी और आपके क्षेत्र में आपके प्यार और इस नवल गांव में आज बंजारा की बस्ती में आकर मेरे युवा लोगों के और जो मान सम्मान और जो मेरे को प्यार मिला, मेरे लिए यहाँ पर कम से कम आज 200-300 बंजारा लोग यहाँ पर बैठक लेके बैठे और मेरी बात को सुने और माननीय कमलनाथ जी के नीति रीति और रिवाज को सुने, मैं उनको पूर्ण रूप से बधाई देता हूँ। हमारा प्रत्याशी कोई भी होगा, इस समय वर्तमान प्रत्याशी माननीय कमलनाथ जी और पंजा है, धन्यवाद। बंजारा समाज पे फोकस जो किया है, 18 से बंजारा समाजों की बात उन कमलनाथ जी ने की, अगले टिकट में भी हमारे प्रत्याशी ने आवेदन करा था सबल सिंह नायक ने, और कुछ कारणवश बाहुबली लोगों ने हमारे बीच में आकर हमारे टिकट को धराशाई करके वो ले गए और रामदेव बाबा की कृपा से उन पर ये प्रणाम हुआ, वो जीत के तो चले गए पर सुखी नहीं रहे। बंजारा समाज संगठित होकर कांग्रेस के साथ हमेशा रही है, अभी भी है, पर मजबूती से आज जो हमको ये भीड़ दिखी संतराम बंजारा के साथ में, हमको ऐसा लगा कि बंजारा समाज कांग्रेस पे भरोसा करती है, कमलनाथ पे भरोसा करती है और पूर्व सांसद अरुण यादव पे भरोसा करती है। अभी जो आने वाला समय है, आज जो हमको पता लगा अज्ञात से कि 15 टिकट फाइनल हो गए, पर पूर्ण भरोसा है कमलनाथ जी पे कि हमारी बंजारा समाज गरीब पर दया करेंगे और टिकट पे पुनः विचार करेंगे, 18 में नहीं तो 20 में, और हम पूरी तरह से पूरे कांग्रेस एक होकर हमारा पहल है। अब हम जनमत के साथ कमलनाथ जी से प्रतिनिधि मंडल बंजारा समाज का कूच करने जा रहा है, कमलनाथ जी से अपेक्षा करके हम निवेदन टिकट मांगने का प्रयास करेंगे।
और बंजारा समाज की पीड़ा है उनके सामने रखेंगे कि हमारी गरीबी कैसे दूर होगी। हम लोगों को कोई पद मध्य प्रदेश के अंदर बंजारा समाज को आज तक जिला जनपद कहीं भी हमको बैठने की जगह नहीं मिली, पर भरोसा है कमलनाथ जी ने आश्वासन दिया है कि आप, मैं बंजारा समाज को समझने लगा हूँ और आप मेरी पाठशाला में आप एंट्री करो, मैं निश्चित आपको, आप मांगोगे निश्चित मिलेगा, भरोसा रखना बंजारा समाज। अपना परिचय दीजिए। अमान नायक, सरपंच ओंकारेश्वर, वार्ड नंबर 8, खंडवा से राम पवार नायक की रिपोर्ट।